महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtatel.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून के तहत व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, व्हाट इज द सार्वभौम सत्य, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ आवर सेल्स, इन सब बातों के बारे में हम आपको बताते हैं। बताते इसलिए हैं ताकि कि आपको सनातन सत्य मिले, आपको एक राजपथ मिले, ताकि कि आप अपने जीवन को धन्य कर सकें और उस रास्ते पर चल करके आप अपने जीवन का विकास कर सकें, व्यक्तित्व का विकास करें। यही सब जानकारी करने के लिए हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है पुण्य और पाप। भाई और बहनों, दो शब्द है पुण्य और पाप। जब हम किसी भी जन्म के अंदर कोई कॉज डालते हैं, कोई भाव डालते हैं, कोई प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसी के अनुरूप एक कॉज बनता है, एक कारण बनता है। और इस ये बहुत से सारे कॉजेज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे हमारी कॉजल बॉडी बनती है और वह जीवन भर कॉजल बॉडी बनती है। उस कॉजल बॉडी को हम भाव कर्म कहते हैं। वही भाव कर्म जब दूसरे जन्म में शिफ्ट होते हैं, यानी जब वो आत्मा कार्मण शरीर, आत्मा और तेजस शरीर के साथ में अंतराल गति से दूसरे शरीर को धारण करती है, तो वही अच्छे और बुरे भाव चार्ज होकर के हमारे अगले जन्म के अंदर चले जाते हैं, नेक्स्ट बर्थ के अंदर, और वो द्रव्य कर्म के रूप में उदय और प्रारब्ध के रूप में आते हैं और वही अच्छे और बुरे पुण्य और पाप का फल देते हैं, उदय में आते हैं, प्रारब्ध देते हैं। यानी हमारे अच्छे और बुरे कर्म जो पूर्व जन्म में किए हुए होते हैं, जब वो उदय में आते हैं तो उदय में आने पर हम उनको पुण्य कहते हैं और पाप कहते हैं। पुण्य का मतलब होता है सुख देने वाले परमाणु, सुख देने वाले कर्म, और पाप कहते हैं दुख देने वाले कर्म। ये दोनों पुण्य और पाप के जरिए हमारा सारा जीवन उदय और प्रारब्ध के अधीन चलता है। ये सारा व्यवहार जगत है जिसको हम लौकिक जगत कहते हैं, ये बाह्य जगत है, ये इंद्रियों का जगत है और ये हमारा भोग में आने वाला जगत है, और इस जगत को हम पीछे से लेकर के आते हैं। भाई और बहनों, अब पुण्य और पाप को जो है बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे। पुण्य का अर्थ होता है सुख देने वाले परमाणु या कर्म, और पाप का अर्थ होता है दुख देने वाले कर्म या परमाणु। सुख कैसे मिलता है? अगर हमारे पुण्योदय होता है तो सब अच्छा अच्छा होता जाता है। अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, अच्छी संपत्ति, खाने को अच्छा मिलता है, पहनने को अच्छा मिलता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सब बहुत सुंदर ढंग से होती है और व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है। और जब पापोदय होता है तो वही व्यक्ति, वही आत्मा, वही मनुष्य अटालिका में जो रह करके पुण्य का भोग करता है, उसकी स्थिति अटालिका के नीचे जो झुग्गी झोंपड़ी है उसकी बन जाती है। आपने कभी बॉम्बे गए हों तो अटालिका के नीचे के अंदर आपको झुग्गी झोंपड़ियां मिलती है। इन दोनों जीवन को कंपेयर करो,
आपको पुण्य और पाप का बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यू मिल जाएगा। जब हम झुग्गी झोंपड़ी का अवलोकन करते हैं तो छोटी सी झोंपड़ी जिसके अंदर पांच पांच दस दस सदस्य रहते हैं, ऊपर से पानी टपक रहा है, दोनों जून की रोटी नहीं, आपस में बीमारी है, कलह है, बराबर बैठने को जगह नहीं, बराबर सोने को जगह नहीं है, और बारिश के दिनों के अंदर मच्छर काटते हैं, एक नारकीय जीवन है। इसका अर्थ यह है अगर हमने पाप कमाया है तो हम नारकीय जीवन को जीते हैं, और हमने पुण्य कमाया है तो हम स्वर्ग का जीवन इसी जीवन के अंदर देखते हैं। आप देखिए, सारी दुनिया को देखिए, 7 अरब की जनसंख्या को देखिए, कोई सुख पा रहा है, कोई दुख पा रहा है, और एक ही व्यक्ति एक ही जीवन में धूप छांव की तरह कभी सुख कभी दुख आता है, और हर प्राणी के जीवन में सुख और दुख आता है, क्योंकि ये पुण्य और पाप के अधीन है, पुण्य पाप के उदय और प्रारब्ध के अधीन है। हर क्षण एक सा नहीं रहता है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। अगर हमारा भी पुण्योदय है तो निश्चित मान के चलिए कि जब पुण्योदय पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में पापोदय प्रारंभ हो जाएगा, और पापोदय भी पूर्णकालीन नहीं है, पुण्योदय भी पूर्णकालीन नहीं है, ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं, प्रारब्ध और पुण्य के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि पुण्य और पाप की जो है, जो हम कॉजेज डालते हैं, जो हम कर्म का अर्जन करते हैं, वो कर्म जो ही हमने परफॉर्म किया वो 4 भागों के अंदर बढ़ जाता है। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। हमने मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति की, उदाहरण के तौर पर ये सोची देखिए कि हमने किसी व्यक्ति पर गुस्सा करके गाली दी, तो गुस्सा करके गाली देने से हमारे जो है वो पाप का अर्जन हुआ, तो उसकी प्रकृति जो पाप की है, जो हमारे 8 मूल कर्म हैं, उस 8 मूल कर्म के अंदर वो पाप की प्रकृति में वेदनीय कर्म के साथ में जुड़ गया। ये तो प्रकृति हो गई, और स्थिति हो गई कि हमने जो जिसको गाली दी है वो कितना गहरा गुस्सा करके कितनी गहरी गाली दी, कितने समय तक गाली दी, तो जितने समय तक गाली दी वो उसकी स्थिति बन जाती है। इसका मतलब हमने जो कॉज डाला है वो कितने समय के लिए डाला है उतने समय तक हमारे कॉजल बॉडी के अंदर वह रहेगा, और वो समय पूरा होते ही स्थिति पूरी हो गई है तो वह कर्म अलग हो जाएगा, वो कर्म भोग के द्वारा भोग होकर के वो कर्म उपयोग में लेकर के डिस्चार्ज होकर के अलग हो जाएगा। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, प्रदेश का मतलब क्वांटिटी, वह उस कर्मों की कितनी क्वांटिटी है। देखिए, हमारी जैन परिभाषा को कोट करूं तो ये जितने ही 8 तरह के द्रव्य कर्म है और उनकी 148 प्रकृतियां हैं, ये चतुस्पर्शी है, ये पुद्गल है, ये जड़ है, ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और विज्ञान की भाषा में बात करें तो ये मासलेस पार्टिकल होते हैं, इसीलिए हमारे आत्मा के साथ कर्म शरीर का भार महसूस नहीं होता है, लेकिन जन्म जन्मांतर के कर्म जो है आत्मा के साथ हैं और रहते हैं, और असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं, और आत्मा किसी की भी वो शरीर व्यापी है, चाहे शेर है, चाहे हाथी है, डायनासोरस है, चाहे चींटी है, मनुष्य है, जितना उसका शरीर है उतने शरीर में रहती है, और एक चेतनामय परमाणु के ऊपर असंख्य जो है पौद्गलिक जड़ है वो कर्म के परमाणु चतुस्पर्शी अवस्थित रहते हैं, तो वह घटते बढ़ते रहते हैं। ये जो हमारी कॉजल बॉडी है, ये हमारा जो कषाय है, ये जो हमारा राग द्वेष है, ये हमारा जो अज्ञान है, ये कभी बढ़ता है कभी घटता है, हमारे अर्जन के साथ और विसर्जन के साथ इसका संबंध जुड़ा रहता है। अगर हम उसका विसर्जन ज़्यादा करते हैं, डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी इज कॉल्ड द निर्जरा। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो संवर धर्म है और एक निर्जरा धर्म है। निर्जरा तो परिणति है, निर्जरा तो परिणाम है, और संवर एक साधना है।
संवर किसे कहते हैं, अगर मोटे तौर पे बोला जाए कि किसी भी प्राणी को दुख न देना, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से प्राणी मात्र को दुख न देना, ये सबसे बड़ा संवर है, हाईएस्ट संवर है। इसके बहुत से अलग डिवीजन हो सकते हैं, लेकिन ये संवर एक साधना है, संवर एक धर्म है, और इस संवर की निष्पत्ति होती है कि निर्जरा होती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि हर संवर के साथ में निर्जरा अवश्य ही जुड़ी रहती है। निर्जरा इंडिपेंडेंट रूप से भी सकाम अकाम रूप में होती है, लेकिन संवर के साथ तो होती ही है। ये संवर का बाई प्रोडक्ट कहिए या संवर की निष्पत्ति कहिए, निर्जरा तो संवर के साथ में होती ही है। तो भाई और बहनों, प्रकृति स्थिति प्रदेश क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी का है, ज्यों ज्यों यूं डिस्चार्ज होगा क्वांटिटी घटती जाएगी, और ज्यों ज्यों चार्ज होगा ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। इसका आपस के अंदर जो है वो संबंध है क्वांटिटी का। तो प्रकृति स्थिति प्रदेश और अनुभाग, हमने कोई भी कर्म का बंधन किया, हमने किसी व्यक्ति को गाली का उदाहरण दिया, किसी व्यक्ति को गाली है वो महाक्रोध करके करी, हमने जो है गहरा क्रोध करके करी, तो वापस हमारे जब जो उसका उदय भाव आएगा और गीता की भाषा में उसका प्रारब्ध होगा, तो प्रारब्ध में जो जिस व्यक्ति को हमने गाली दी है वो प्रकृति, वो संजोग और वो हमारी कुदरत उस व्यक्ति को जिसके साथ व्यवहार हुआ है उसको सामने खड़ा करेगी, और वह उसी अनुपात में, उसी रस के साथ, उसी अनुभाग के साथ में, उतने समय तक उतने परमाणुओं के साथ के अंदर वो हमें गाली देगा। क्योंकि ये कुदरत का कानून है। कुदरत का कानून क्या है? एज यू विल सो, सो विल यू रीप। अगर आप अच्छा करोगे, अच्छा जो है फल डालोगे, तो अच्छा बीज डालोगे, अच्छा फल मिलेगा, और गलत बीज डालोगे, गलत फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कुदरत का कानून है, और ये प्राणी मात्र पर लागू होता है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, नरक गति, तिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति, सब पे जो प्रकृति का जो है या कुदरत का जो कानून है, कुदरत की रचना है, एक साथ लागू होती है। इसीलिए कुदरत सनातन है, कुदरती रचना और कुदरत का कानून सनातन है। तो हम पुण्य और पाप क्या अवलोकन कर रहे थे कि जो कुछ हमें इस जीवन के अंदर मन वचन काया रूपी ये जो शरीर है वो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और वो भुगतान पुण्य और पाप के रूप में मुख्य दो रूप में होता है, या तो हमको सुख मिलता है या दुख मिलता है, और पुण्य के उदय से सुख मिलता है, पाप के उदय से दुख मिलता है। हम कुछ उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति देखिए कि एक ही माँ के दो जुड़वे भाई है। मैं एक दो तोतों की स्टोरी आपको बताता हूं कि एक तोती ने दो तोतों को जन्म दिया, और उनके जन्म के बीच में मान लीजिए कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस, 5 मिनट का डिफरेंस था। अब उस जो है वो तोती ने जो है उन दोनों अपने बच्चे तोतों को बराबर समान रूप से पाला पोसा और उनको बड़ा किया और उनको उड़ना सिखाया। जब वो उड़ गए तो एक तोता संजोग से अपने पुण्य और पाप के कर्मों के अधीन, वह संजोग से अपने पुण्योदय से किसी ऋषि के यहाँ, किसी साधु के हाथ में चला गया। और साधु जो होता है वो सज्जनता का प्रतीक होता है। साधु वह होता है जो शांत होता है, सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। साधु परमार्थी होता है, प्रभु की भक्ति करने वाला होता है, वो तिन्नानम होता है, तारयाणम होता है, स्वयं तरता है, दूसरों को तारता है, और वह परमार्थ के जगत में जीता है। वो परमात्मा बनने की प्रक्रिया के अंदर लग गया होता है और साधना करते करते स्वयं ईश्वर भगवान और परमात्मा बन जाता है। तो ऐसे के जो है वो संस्कारों के अंदर तोता गया, उसको पिंजरे में रखा गया और उसको बार बार बुलाया गया, रटाया गया, जय श्री राम, जय श्री राम, स्वागतम स्वागतम, आइए पधारिए, अच्छी अच्छी बातें सिखाई। तो कोई भी बाहर से जो आता है वह तोता अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलता है, तो आने वाला सज्जन प्रभावित होता है कि जिस महात्मा का तोता इतना मीठा बोलता, अच्छा बोलता है, इसका मतलब निश्चित तौर से महात्मा जी तो अच्छे होंगे। अब देखिए,
दूसरा जो तोता है वो अपने पापोदय के कारण पूर्व जन्म में लेके आया था, इस जन्म में नहीं हुआ। ये जन्म में हम जो कुछ भोगते हैं वो हमारे पूर्वकृत कर्मों का जो पुरुषार्थ किया था वो भाग्य के रूप में भोगते हैं, और इस जन्म के अंदर जैसे हम अच्छा या बुरा कार्य करेंगे और उसके कॉजेज का अर्जन करेंगे तो उससे चार्ज होगा, और आने वाले हमारे समय में भविष्य के अंदर जब वो डिस्चार्ज होगा तो वह हमें सुख और दुख की अनुभूति कराएगा, और जो कॉजेज हमने डाले हैं वो कॉजेज कर्म जो बीज है वो कर्म फल है, आने वाले समय के अंदर कर्म फल देगा, रिजल्ट देगा। तो आज हमें जो मिल रहा है पूर्व का हमारा जीत है। तो दूसरा जो तोता है वो किसी डाकू के हाथ लग गया, अब डाकू ने भी उस तोते को पिंजरे में बंद किया और वो डाकू अंदर रहता था, गेट पे जो उस तोते को लगा दिया गया, तो तोते को सिखाया गया कि आओ पकड़ो मारो काटो लूटो। तो इसीलिए जो आने वाला है बेचारा वो भाग जाता था और कोई उसके चुंगल में फंस जाता तो उसकी दुर्गति हो जाती थी। तो भाई और बहनों देखिए, एक माँ के जुड़वे बच्चे, एक माँ के जुड़वे तोते, लेकिन कर्म अलग अलग थे, इसलिए से कर्मों के अनुसार होता है। को सुख दो को दुख देत है कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। जो मंदिर पे जो ध्वजा होती है उसको पवन उलझाती है सुलझाती है, तो हमारे को सुख और दुख देने वाला, पुण्य और पाप देने वाला हमारे कर्म है, और कोई भी इसके अंदर सहायक नहीं होता है, या कोई भी जो हमें दुख और सुख नहीं देता है, केवल हमारे पूर्वकृत कर्म ही जब उदय और प्रारब्ध में आते हैं, जब वो पक जाते हैं, जब परिणाम देते हैं, रिजल्ट देते हैं, तब हमको पुण्य पाप में उदय, पुण्य और पाप के उदय में आकर के हमको सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। तो भाई और बहनों ये एक बड़ी निर्णायक अवस्था है, हम अपने आप समझ सकते हैं कि हमारा पुण्योदय चल रहा है या पापोदय चल रहा है। अगर हमको कष्ट की अनुभूति हो रही है, अगर हमारे सब कार्य उल्टे हो रहे हैं, हमारे गरीबी है, बीमारी है, झगड़ा है, कलह है, आपस में वैमनस्य है, और टेंशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तो मान के चलिए कि आपका पापोदय चल रहा है। और अगर आप सुख में हैं, आनंद में हैं, सभी आपकी बात मानते हैं, आपकी बात का वजन होता है, और घर में आप प्रिय होते हैं और अपने वर्किंग फील्ड के अंदर प्रिय होते हैं, और आपकी तरक्की होती जाती है और आप आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, आपको प्रतिष्ठा मिलती है, तो समझ लीजिए कि आपका पुण्योदय है। तो समय का हमको साक्षात मालूम पड़ता है, पर क्वेश्चन ये है कि जो भी आदमी जन्म लेता है वो प्रत्येक सुख चाहता है, प्रत्येक जीना चाहता है, छोटा सा छोटा प्राणी भी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं जाता चाहता है, ये एक हर प्राणी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो जब कोई भी सुख चाहता तो आपको किसी को दुख देने का क्या अधिकार है? इसीलिए हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बना कि आप किसी को दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा, यही सनातन सत्य है। किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा, क्योंकि सनातन सत्य कहता है टू द एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम कोई भी गेंद को किसी दीवार से टकरा करके फेंकते हैं तो उतने ही वो इनर्शिया से जो गेंद वहाँ से टकरा करके वापस रिएक्शन करके हमारे सामने आएगी। जो हमने ध्वनि पिछले जन्म में की है उसके रिजल्ट के रूप के अंदर इस जन्म में हमको प्रतिध्वनि मिलेगी, क्योंकि ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है। इस सत्य को जानने के लिए ही हमने ये दृष्टि विज्ञान दिया है। अब क्वेश्चन ये कि दृष्टि विज्ञान क्या है? देखिए, दृष्टि विज्ञान कहता है कि जो आप पीछे से लेकर के आए हो उसमें आप स्वतंत्र नहीं हो, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, वो नियत है, वो फिक्स है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें हम प्रतंत्र है, वो जड़ है, वो नाशवान है, वह
कुदरत के संयोगों के अधीन है, और जैसे जैसे संयोग आएंगे वैसे वैसे आपको पुण्य उदय होगा, पापोदय होगा, उसके अनुरूप संयोग, संयोगों के अनुरूप आपको कुदरत निमित्त लाके खड़ा करेगी और आपको सुख दुख की अनुभूति कराएगी। तो ये तो हो रहा है, ये हम कर नहीं रहे हैं, ये तो हो रहा है। कई बार क्या होता है, हम गुस्सा करना नहीं चाहते, हो जाता है। कई बार क्या होता है, हमारी धर्म पत्नी से या भाई से या बेटे से हम झगड़ा करना नहीं चाहते, लेकिन बात में से बात निकल जाती और झगड़ा हो जाता है। अब आप सोचिए, आप करना नहीं चाहते हो फिर भी हो जाता है। ये हो जाता क्या है, ये हो जाता का अर्थ यह है कि हम नियत लेकर के आए हैं पीछे, उसके अंदर हम सुधार नहीं कर सकते हैं, वो एज इट इज भोगा जाएगा। इसीलिए स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, संस्थापित रहे, कोई दखो दखल करूं नहीं। यानी जो कुछ भी ये संयोग मन वचन काया के चल रहे हैं, ये चलते रहेंगे, इसमें हमको दखल नहीं देनी है, इसमें हमको टांग नहीं अड़ानी है, क्योंकि इसमें हम प्रतंत्र है। आप टांग अड़ाओगे तो फ्रैक्चर आपके होगा, दुख आपके होगा। टांग अड़ाने का अर्थ ये हुआ कि जो आपका पुण्योदय पापोदय चल रहा है, और जीवन भर जन्म से मृत्यु तक जितना ये जो हमारी फिल्म चल रही है, वो फिल्म जो है वह कुदरत के अधीन है, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के अधीन है, वो कुदरत ही चला रही है। आप उसमें कर्ता क्यों बनते हो, टांग अड़ाते हो, यानी कर्ता बनते हो, कर्ता बनते हो, इसका अर्थ यह है आप नए कर्मों का बंधन कर रहे हो। आपको कर्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कुदरत कहती है कि मैंने किसी भी व्यक्ति को कर्ता बनने की पावर या पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, मैं स्वयं हूँ। अगर बनता है तो इसकी भ्रांति है, उसका अज्ञान है, और उस अज्ञान के वशीभूत ही नए कॉजेज डाल के कर्मों का बंधन करता है, कर्म बीज डालता है, उससे उसको सुख दुख की अनुभूति का कर्म फल मिलेगा। मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये हो रहा है, इससे आप जुड़ो मत, इससे आप प्रभावित मत हो। और सारा ये जो एक्शन होता है, ये हमारे जो विचारों के माध्यम से होता है। पूर्व जन्म की जितनी भोगावली है, जितना हमारा पुण्य और पाप का उदय है, प्रारब्ध है, वो विचारों के माध्यम से होता है। इसीलिए विचारों को बाईपास करो, जो आ रहा है, जो चल रहा है, उसमें संभाव रखो। पुण्य और पाप के उदय में को एक सा समझो, उसमें कोई भेद मत समझो। इसलिए संभाव का मतलब दोनों में एक सा भाव रखो, तो आपको नए कर्मों का बंध नहीं होगा, और ये भुगत करके बर्फ़ की शिला की तरह भुगत लिया जाएगा धीरे धीरे। बर्फ़ की शिला क्या होती है, ये हमारा डिस्चार्ज है, जितना जन्म जन्मांतर का हमने जो है वो इकट्ठा किया है कर्म शरीर कॉजल बॉडी को, ये बर्फ़ की शिला के रूप के अंदर ये पिघलता रहेगा, पिघलते पिघलते सारा बर्फ़ पानी बन जाएगा। इसका अर्थ ये है कि पूरी कॉजल बॉडी जो है वह ज़ीरो होकर के, और आप पवित्र आत्मा बन जाओगे। ये जो पवित्र आत्मा की जो बात है ना, ये दृष्टि विज्ञान है, उस पर ये कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून केवल जड़ पदार्थ पर लागू होता है, केवल संयोगों पर लागू होता है, केवल वियोग पर लागू होता है, केवल पुण्य पाप के उदय और प्रारब्ध पर लागू होता है, लेकिन आपके पुरुषार्थ पर लागू नहीं होता है। आपको आपके सद्पुरुष ने या ज्ञानी पुरुष ने जो आपको पुरुष बना दिया है, तो अब आप पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है कि जो चल रहा है उससे आकर्षित मत हो, उससे लुब्ध मत हो, उसके साथ मत जुड़ो। तुम्हें क्या करना है वो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि तुम अपने स्वरूप की जानकारी करो,
क्योंकि आपका तो मुख्य उद्देश्य है कि इस जो है पिंजरे के भीतर, इस जो है वो हमारे जेल के भीतर जो परमात्मा प्रभु विराजमान है, जो कि जेल में फंसा हुआ है, इसको आज़ाद करना है। इस हंसे को जो पिंजरे में है, इससे बाहर निकाल करके इसको उड़ाना है। तो वह स्वतंत्र कब होगा? जब आप अपने अस्तित्व, मैं कौन हूँ, इसके इर्द गिर्द घूमते रहोगे और इसका अनुभव करोगे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप सनातन सत्य कार्यक्रम की आत्मा हो, आप देखते रहिए और इसके साथ में जुड़े रहिए। आप सनातन सत्य जितना जितना देखोगे, आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, स्नेह स्नेह आनंद की प्राप्ति होगी। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य, अगर आपने यहाँ पर सनातन सत्य की, आपने शाश्वत सुख की नींव लगा दी, तो आने वाले समय के अंदर वो शाश्वत सुख मनुष्य जीवन में अगले वालों में प्रकाशता पर पहुंचेगा। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।